नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। और आज का विषय है दोस्तों कि क्या आप भी दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं, क्या कोई भी दुष्ट आत्मा निकाल सकता है। तो ये बात कितनी हद तक सही है और क्या है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम शैतान से क्यों डरते हैं, शैतान से क्यों नहीं लड़ पाते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी विश्वासी भाई दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, कोई भी विश्वासी भाई उस विश्वास में परिपक्व हो सकता है। और शैतान की कोई भी आत्मा क्यों ना हो, वो दुष्ट आत्मा है और उसको विरोध के साथ निकालना, उससे डरना नहीं है। और जो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते हैं वो अविश्वासी है, अल्पविश्वासी है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं मत्ती रची सुसमाचार में, आइए हम बाइबल से देखते हैं। यहाँ पे एक घटना घटी थी और एक व्यक्ति के पुत्र में दुष्ट आत्मा थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है मत्ती रची सुसमाचार में 17 अध्याय उसका 15 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 पद से जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं चेले लोग क्या कहते हैं। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उसने उन्हें कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा विश्वास अल्प नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, विश्वास में परिपक्वता होना है और विश्वास में बलवंत होना है। कोई भी विश्वासी भाई दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, बशर्ते इतना है कि परमेश्वर की सामर्थ्य उसके अंदर होनी चाहिए, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह की उस उद्धार, उस अनुग्रह की सामर्थ्य उसके जीवन में होना चाहिए और उसके बाद परमेश्वर का हथियार उसके साथ होना चाहिए, ताकि वो हथियार को रख करके उस शैतान से मुकाबला कर सके और जीत सके। तो बाइबिल हमें क्या बताती है, बाइबिल हमें ये बताती है कि कुछ शर्तें हैं जो उसे पूरी करनी है। तो ये सभी चीज़ें हमें करना है जो बाइबिल हमें बताती है, सिखाती है, और ये सभी हथियार रखना है जो बाइबिल हमें बताती है कि ये हथियार शैतान पर विजय पाने के लिए बहुत अच्छा है। तो वो क्या बताती है, आइए हम बाइबिल से देखते हैं। सबसे पहला काम कि अपने शरीर को धर्म के कार्यों करने के लिए परमेश्वर को सौंपना है, अपने अंगों को, अपने शरीर के अंगों को। रोमियो 6:13 में लिखा हुआ है, ना अपने अंगों को और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को नहीं सौंपना है, पाप के कार्य को नहीं करना है, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जान करके परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो हमारा शरीर का जो अंग है, हाथ पैर आँख सर, ये सभी चीज़ जो भी है, जीभ मुँह आँख, ये धर्म के कार्य को करने के लिए परमेश्वर को सौंप देना है, तभी हम विजय होंगे। और दूसरा क्या काम है, हमें अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के कामों को स्वीकार करना है। आइए हम देखते हैं रोमियो 13:12 में लिखा है, 13:12 में लिखा हुआ है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। है ना, अब परमेश्वर का दिन निकट है, सुबह होने वाला है, परमेश्वर आने वाला है, तो अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के कामों को स्वीकार करके ज्योति के हथियार को हमें बांधना है। और वचन में भी लिखा है, सच्चे प्रेम से
और सत्य के वचन से, है ना। आइए हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाएं बाएं हाथों में हैं। यानी कि परमेश्वर के हाथों में दाएं बाएं हैं, वो क्या है? प्रेम, सत्य का प्रेम और सत्य का वचन, ये दोनों लेकर के हमें चलना है ताकि उसके हथियार को हम बांध सकें। हमारे जीवन में होना चाहिए, हमें परमेश्वर के हथियार को समझना भी जरूरी है, बिना समझे हम उसके हथियार को ले नहीं सकते। तो वो कौन सा हथियार है? आइए हम दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 पद में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, लोहे टीना पीतल या तांबा का नहीं है। हमारा जो लड़ाई का हथियार है शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है, वो आत्मिक है। और सबसे बड़ी बात, पहला पत्रस 4:1 में दिया गया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस उसका 4:1 में लिखा है, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। तो शरीर में हमें दुख उठाना है, शरीर को दुख और तकलीफ देना है, तभी हम पाप से छूट पाएंगे। और जो पाप से छूट गया है वही दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है। और उसके साथ साथ हमें इन हथियारों को भी रखना है। कौन से हथियार हैं ये सभी? वो सभी ये हथियार हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इफिसियो 6:10 से लेकर के हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमारा जो मल युद्ध है वो यहाँ पे नहीं है, मतलब शरीर से नहीं है, लहू से नहीं है, मनुष्य से नहीं है, शैतान से है। फिर उसके बाद क्या बोलता है? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झीलम पहन कर और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन कर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। इस प्रकार से पौलुस बता रहा है यहाँ पे, ये सभी जितने भी हथियार हैं हमें क्या करना है? अपने आत्मिक जीवन में बलवंत करना है और रखना है, सत्य से कमर कसना है, सत्य पर टिके रहना है, हटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ताकि हमारा कमर कसे रहेगा तो हम कुछ भी काम को कर सकते हैं। जो धार्मिकता की झीलम है जो हम शरीर में प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करेंगे तो हम धार्मिकता में क्या है? बने रहेंगे। प्रोटेक्शन हमारा शरीर को होते रहेगा, हमारी आत्मा को होते रहेगा। और विश्वास हमारा ढाल है, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में, किसी भी हाल में हम प्रभु को नहीं छोड़ें। हमारा विश्वास परिपक्व होना चाहिए, वो ढाल होना चाहिए, ढाल की तरह मजबूत होना चाहिए हमारा विश्वास। क्या हमारा उद्धार हो चुका है? और उद्धार हुए है तो उस उद्धार के टोप को हम अपने सर पे लगा करके रखें, उस आत्मिक सर पे। वो उद्धार का मुकुट है हमारे जीवन में, जिससे पता चलता है कि ये मनुष्य जो मुकुट लगाता है ये मनुष्य राजा है। और जो मुकुट लगाया उद्धार का उससे ये पता चलेगा कि ये मनुष्य का उद्धार हो चुका है। तो उद्धार के टोप को ना खोएं। जो सुसमाचार है वो मेल का जूता है, मेल मिलाप, और सुसमाचार के अनुसार हमारे आत्मिक जीवन को ढालना है और उस जूते को हमें तैयार रखना है ताकि हमें काटा न गड़े
कुछ इन्फेक्शन ना हो या पैर में गंदगी ना चिपके, इसलिए हम जूता पहनते हैं। तो सुसमाचार के अनुसार चलेंगे तो हमें कोई भी ठोकर नहीं मिलेगा, कोई भी कांटे नहीं गड़ेंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और आत्मा का तलवार, ये आत्मा का तलवार क्या है? ये पवित्र आत्मा का तलवार है, परमेश्वर की आत्मा का तलवार है, ताकि उस तलवार से, उस आत्मा से आप किसी का भी सामना कर सकते हैं, उस परमेश्वर के वचन से, उस पवित्र आत्मा के वचन से किसी का भी सामना कर सकते हैं, और वो जरूर ही निढाल और आप उस पर विजय पाएंगे, इस प्रकार से उसे ख़त्म कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा का तलवार हमें रखना है, उसके वचन को अपने शरीर में, अपने आत्मा में बसाए हुए रखना है, उस पर चलना है। तो दोस्तों, ये 6 हथियार को अपने पास रखना है, जो कि आत्मिक हथियार है, और हमें मांस और लहू से नहीं लड़ना है, मनुष्य जाति से नहीं लड़ना है, लोगों से नहीं लड़ना है, केवल अंधकार की शक्तियों से लड़ना है, सेना से लड़ना है, शैतान से लड़ना है। परमेश्वर हमें सामर्थ देगा, और इसी प्रकार से आप धीरे धीरे बलवंत होते जाएंगे और कोई भी दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि दुष्ट आत्मा को कैसे निकाला जा सकता है, और हर कोई निकाल सकता है। तो इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे और बहुत सारे बातें को बताते और सिखाते रहेंगे। आप हमारे वेबसाइट में जा करके ऑनलाइन बाइबल क्लास कर सकते हैं, मोटिवेशन क्लास कर सकते हैं, हेल्प ग्रुप में जुड़ करके आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हेल्प ग्रुप जो है लोगों की मदद करता है, जिस प्रकार से मत्ती में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि इन छोटे में से छोटे लोगों के साथ जो तुम करते हो वो मेरे साथ करते हो। दीन दुखी, गरीब, लाचार, असहाय, विधवा, अनाथ और जेलखाने में पड़े हुए कैदी और मरीज पड़े हुए लोग, ये सभी लोगों की हमें मदद करना है, और हम करते भी हैं हर महीना जा करके। तो आप भी हमारे साथ मदद कर सकते हैं, हर महीना आपका डोनेशन हमें सेंड कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है स्वर्गीय धन इकट्ठा करना है, अधर्म के धन से स्वर्ग जाने के लिए मित्र बनाना है हमें। और क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। जब तुम कंगालों को देते हो तो यहोवा को उधार देते हो, कर्ज देते हो। तो ये सभी बातों का मद्देनजर रखते हुए हमने इस बात को किया है कि हमने ये हेल्प ग्रुप प्रोग्राम चालू किया है, और लोग डोनेशन देते हैं, और इस प्रकार से आप डोनेशन दे भी सकते हैं और हमारे साथ परमेश्वर की सेवा कर भी सकते हैं। हमसे जुड़ करके परमेश्वर के राज्य की सेवा करें, और आप अपना डोनेशन हमारे SBI के स्टेट बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, और उसके बाद PayPal अकाउंट पर भी आप सेंड कर सकते हैं, और हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा जुड़े रहने के लिए, शेयर करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़ करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, और नए नए वीडियो को हम लाते ही रहेंगे इसी प्रकार से। तब तक के लिए हम आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।